कमलनाथ की सरकार बनने के बाद से मध्य प्रदेश के बुरे हाल हैं। मध्य प्रदेश में अस्पतालों के हाल कैसे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मानसिक रोगी जाकर डॉक्टर के केबिन में बैठ जाता है और मरीजों का इलाज करने लगता है। यह वाक्या छतरपुर जिला का अस्पताल का है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का एक अनोखा मामला सामने आया है, जब एक मानसिक रोगी डॉक्टर के खाली चैम्बर में उनकी कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज करने लगा। अस्पताल प्रबंधन को जब पता लगा तो उन्होंने मानसिक रोगी को बाहर कर दिया। अब सिविल सर्जन सभी डॉक्टरों को जिम्मेदारी से अपना काम करने की नसीहत दे रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। ये मामला 10 फरवरी का है, चैम्बर नंबर 20 स्किन डॉक्टर हिमांशु बाथम का है। उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में लगी थी, इसीलिए चैम्बर खाली था। इस बीच एक मानसिक रोगी उनकी कुर्सी पर जमकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठे युवक को लोगों ने डॉक्टर समझकर इलाज कराना शुरू कर दिया। लोगों के अनुसार उसने 10 से 12 मरीजों को पर्चों पर दवाई भी लिखी है। मरीज पर्चे लेकर सरकारी मेडिकल स्टोर पर दवाएं लेने चले गए। मेडिकल स्टोर में मौजूद कर्मचारी अनूप शुक्ला को पर्चे पर लिखी दवाइयों पर शक हुआ तो उसने मरीजों से डॉक्टर का चैम्बर नंबर पूछा। इसके बाद अनूप उस चैम्बर में गए तो पता चला कि एक मानसिक रोगी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का चेकअप कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन को सूचना मिलने पर अधिकारी आए और उसे बाहर कर दिया। I'm coming for study. I'm studying. But don't you know you are not authorized? I'm authorized. I'm no wrong. Do you have any letters? I have letters. Would you like to show? No. Why? Body or occupation? Body. Who are you? अस्पताल में हुई घोर लापरवाही पर सिविल सर्जन डॉक्टर एस के दीक्षित का कहना है कि युवक मानसिक रोगी था। चूंकि डॉक्टर हिमांशु की ड्यूटी पीएम हाउस में थी, इसीलिए उनका चैम्बर खाली था। पता चलने पर उसको अस्पताल से बाहर कर दिया गया। सभी डॉक्टरों व स्टाफ को नियमित रूप से जिम्मेदारी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लेकर जाँच की बात कही है। मेरे संज्ञान में ये बात आई है, कुछ लोगों ने बताया है, मैंने अधिकारियों से जाँच करने के लिए कहा है, कैसी जांच होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।